मध्य प्रदेश में उपचुनाव का दौर जारी है। कांग्रेस और भाजपा के नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, एक दूजे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए जनता के सामने अपनी अपनी बात रख रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, साथी मंत्री इमरती देवी डबरा पहुंची। डबरा में 300 करोड़ से ज्यादा की लागत में बनने वाली जिगनिया बरकरी नहर परियोजना का यहां भूमि पूजन किया गया और इस कार्यक्रम के बाद इमरती देवी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की, कांग्रेस पर हमला बोला। भूमि पूजन के बाद इमरती देवी कहती हैं, कमलनाथ सिर्फ छिंदवाड़ा के लिए पैसा देते थे, डबरा के विकास के लिए नहीं। शिवराज सिंह चौहान को बड़ा भाई कहती हुई इमरती देवी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस दौरान देवता बताया। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया मुंगावली के पिपराई पहुंचे। दोनों ने इस दौरान एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस की सरकार के समय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जनता के विकास को लेकर कमलनाथ जी से कई बार अनुरोध किया, लेकिन उनका सदैव अपमान किया गया। ये अपमान सिंधिया जी का नहीं, ग्वालियर, चंबल, डबरा और पिछोर की जनता का अपमान है। मध्य प्रदेश की धरती पर मैं किसी भी गरीब को भूखा नहीं सोने दूंगा, ये मेरा संकल्प है। 37 लाख नए लोगों को पात्रता पर्ची प्रदान कर 1 रुपये किलो गेहूं, चावल और नमक देने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। कमलनाथ जी ने तो गरीबों से उनका हक छीन लिया, मैं उन सभी गरीब भाई बहनों के साथ न्याय करूंगा। पानी की समस्या को हल करने के लिए यहां लिधौरा बांध का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा कई और विकास के कार्य शुरू किए जाएंगे। हर गरीब के साथ हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। कमलनाथ जी के पास विकास कार्यों के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि कांग्रेस की नीति, नियत, नेता ठीक नहीं थे। लक्ष्मी जी उनसे रूठी थी। हमारे पास नीति, नियत और नेता तीनों हैं। आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में हलचल शुरू हो गई है। सभी नेताओं द्वारा प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में दौर कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।